धकुआकाना थाने के अंदर सापुतिया चेतिया गांव में 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 4:30-5 बजे धकुआकाना थाने में एक खबर मिला था कि एक बर्न्ट बिना हेड का एक डेड बॉडी मिला है और इमीडिएटली थाने से दी पुलिस टीम वेंट टू दी स्पॉट और स्पॉट पे जाते वक्त वहां एक दो चप्पल मिला, एक टॉर्च लाइट मिला, एक लाठी मिला और जहां वो मॉर्टल रिमेन्स था, बर्न्ट मॉर्टल रिमेन्स था, उसके सामने एक जर्सी मिला। इसके बेसिस पे हमें ये बताया गया कि सुनील गोगोई नाम का एक पर्सन का ये डेड बॉडी है करके उनके घर वालों ने खबर दिया था। जहां डेड बॉडी मिला उनका घर से अराउंड 280-300 मीटर्स की दूरी में थे, तो बिकॉज डेड बॉडी में हेड नहीं था और वो पूरी तरीके से जला हुआ था। हमने फॉरेंसिक टीम गुवाहाटी का रिक्वेस्ट करके एक FSL टीम आया था गुवाहाटी से, CID से भी एक टीम आया था हेडेड बाय IG CID एंड CID का एक डॉग स्क्वाड का भी एक टीम आया था। इस टाइम हमें ये पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि 30 तारीख सुबह 9 बजे से उनका ही घर में रहते हुए जहांगीर हुसैन करके एक धुबरी का उनका जल जीवन मिशन में जो काम करता था वो एक लेबर मिस्त्री भी गायब था। तो नेक्स्ट डे इवेंट का नेक्स्ट डे DGP सर भी स्पॉट विजिट किए थे। तो उस दिन शाम को फॉरेंसिक टीम के प्रेजेंस में और LMCH का डॉक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी डेड बॉडी का रिमेन्स था, हमें अराउंड 100 बोन्स का टुकड़ा मिला था और उनका जो डेड बॉडी का जो मांस मिला था और बाकी जो भी बोन्स का रिमेन्स मिला था ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और फॉरेंसिकली ये कलेक्ट किया गया था। और हमारा लीगल प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जिस तरीके से क्राइम सीन था और CID और फॉरेंसिक टीम और DGP सर के विजिट के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। तो हमें ये डाउट आया है कि बॉडी किसका हो सकता है। बॉडी का आइडेंटिटी डिटर्मिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग जो इंस्टीट्यूट है वहां पे उनका रिमेन्स सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया और उसके साथ DNA मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज DNA रिपोर्ट आया है। DNA रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका DNA जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और काफी उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीजों का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लास्ट 1 मंथ में मतलब अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला कि जहांगीर हुसैन 29th रात को सुनील गोगोई के घर में ही रुके हुए थे और 30 तारीख को सुनील गोगोई धेमाजी जाने वाले थे और उनको हमें ये बताया गया कि जहांगीर को कहीं रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद जहांगीर उस स्पॉट से गायब है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमें ये पता चला कि जहांगीर जो हमारा क्राइम सीन है अराउंड 6:30 इन द इवनिंग 1 जून को उसी के आसपास कहीं थे, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पता चला था। तो ये सब एनालिसिस के थ्रू हमें यही डाउट था कि सुनील गोगोई का है, इसलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत जरूरी था।
एंड इसके बाद अभी आज डीएनए का रिजल्ट्स जब आ गया, ये अभी निश्चय हुआ है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुनील गोगोई का नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक नाटक के तरीके से ये रचाया गया है कि हमें हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक एफआईआर दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। तो आज अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस। तो अभी ये नया केस का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज बीन अब्सकॉन्डिंग, और अभी ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा। उनका जितना भी फैमिली मेंबर्स है, जिसके घर से जहांगीर निरुद्देह हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा। और आज बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था उसे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया है एक फॉल्स स्टोरी है, एंड बाकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अभी एज ऑफ नाउ सुनील गोगोई, उनकी वाइफ और बाकी जो भी अकम्प्लिसेस है उनके अगेंस्ट केस एक रजिस्टर किया जाएगा। ये अभी नया केस रजिस्टर होने का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मोटिव क्या है ये सब क्लियर होगा। लेकिन जैसे लास्ट 1 मंथ में सुनील गोगोई का जो भी एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि नया इंश्योरेंस पॉलिसीज खोला है, हमें पता चला है कि सुनील गोगोई ने कोई नया मोबाइल नंबर लिया है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सो ऐसा कुछ कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी है जिसके वजह से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है एंड हो सकता है कि इंश्योरेंस बेनिफिट्स पाने के लिए ये पूरा जो नाटक है ये रचाया गया है। जहांगीर पहले धेमाजी में एक जगह में जेजेएम का काम करता था, वहीं से सुनील गोगोई के साथ उनका परिचय है, अराउंड 1 साल से ऊपर इनके साथ काम करता था। इतिया लोके अमरता तेर एक खबर ना जेतिया नूतन केस और तदंत्र आरंभ होगो तेतिया अमी गम पाए जाम कि किबा पैसा लेन देन बेलक किबा हासिल है ये बिलाक इतिया तदंत्र तो अमी गम पाए जाम। अभी जितना भी हमारा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उनका घर से 300 मीटर्स दूर उनके ही माटी में एक दूसरा आदमी का डेड बॉडी मिल रहा है जो उनके ही घर में रुका हुआ था, और फिर उनका ऐसा दिखाया गया कि वो उनका ही डेड बॉडी है। तो ये सबसे यही लग रहा है कि उनका ये उनका ही परिकल्पना से ये एक पूरा एक नाटक रचाया गया है। इतिया ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अवेटेड आसे ये की वस्तु यूज कर रिसे की केमिकल यूज कर रिसे ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और पिसोते गंपा। इतिया तो ओनली डीएनए रिपोर्टे आही से, बाकी अमी आरो फॉरेंसिक और रिपोर्ट जेती आही वो बाकी गुटे वस्तु गंपा जो नहीं ना। इतिया अमी तदंत्र आरंभे होबो, तदंत्र और कारणे गुटे मानो जो जो इन्वॉल्व हो सकता है गुटे मानो माटी वो थाना तार पिसो पूछताछ और अरेस्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने जितिया गुटे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होबो आरो अमी जितिया गुटे प्रमाण पाए जा कि ये मानो इन्वॉल्व आसे तेतिया ये अरेस्ट होबो। तो जहांगीर और भाई के लोगों की कोता पाते से ये गुटे वस्तु तो इतिया नूतन केस और तदंत्र तो आ ही जाबो आरो एज पर अमार टेक्निकल एनालिसिस और पूरा 1 जून 6:30 जहांगीर और लास्ट लोकेशन आसिले प्योर मैंने आके पाके आसिले उसर होते आसिले। इतिया स्पेकुलेशन करा तो उचित न होबो, इतिया नूतन केस रजिस्टर हुआर पिसो एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस बाकी गुटे वस्तु अमी गम पाए जा। राती 8:30 पिसो मे बी बिटवीन 8:30 एंड 1 o'clock इतिया लोग के इन्वेस्टिगेशन अमी एकुए प्रमाण पुआना है। घरों जिमान मानु तितिया आसिले सबे मानु माटा जाबो। इतिया अमार जिंतु मॉर्टल रिमेन्स अमी एफएसएल और पोटाइसो इतिया अमार केस और एविडेंस होबो, तो जितिया केस अलपमान आग बढ़ार पिसो तमी साइबो लगीबो की करा जाए। अमारता जिमान तात माने बोन्स आरो ये बिला तिते अमारताते ऐसे, बट ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ द एविडेंस। तो ये अमार एविडेंस और वस्तु तो इतिया इमीडिएटली अमी तो हैंड ओवर करिबो नुवारे। ही जगह खिनिते आरो एजन मानुवा हत्या करिसले देउताके
প্রথমতে যেতিয়া আমাক কোৱা হৈছে সুনীল গগৈ বডি আছে তেতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ থিয়ৰি আছিলে কি কাৰণে হ'ব পাৰে তো দিছ ৱাজ ওৱান থিয়ৰি দেট কেম আপ কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা একো আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই এইবিলাক টেকনিকেল এনালাইসিছত আহি যাব সুনীল গগৈ এই ঘটনাটো জুবিন মানৰ আগত তেওঁ বেংকৰ একাউণ্টত মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিছে বুলি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে এইটো কিমান দূৰ হৈছে কিবা কিবি পার্সোনাল ডিটেইলস চেঞ্জ কৰিছে অ্যাক্সিস ব্যাংকর যিটো তার অ্যাকাউন্ট আছিলে যদি আমি এই গম পাম আমি তো নিজে ধরি লম সুনীল গগৈ কোত আছে আই ক্যান সে ফর শিওর দ্যাট জাহাঙ্গীর হ্যাজ বিন মার্ডার্ড অ্যান্ড সুনীল গগৈ ইজ এ প্রাইম সাসপেক্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিজনস কুড বি ফর ফ্রডুলেন্টলি ক্লেমিং ইন্স্যুরেন্স বেনিফিটস